हाय गाइस, मैं त्रिशा, ब्यूटी विद त्रिशा चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं होममेड क्रीम लेकर के आई हूँ जो कि आपके फेस जो है सन टैन की प्रॉब्लम से डल पड़ गया है, या फिर रिंकल्स की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, या फिर झुर्रियों की प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम का आज मैं सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। कितनी भी जिद्दी से जिद्दी आपके डार्क स्पॉट हैं उसको रिमूव करने वाली है ये क्रीम। तो सच में बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपके डार्क सर्कल भी है ना तो उसको भी ये रिमूव कर देगा बिल्कुल रातों रात। तो सच में गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि कैसी ये क्रीम बनके तैयार हुई है। तो दोस्तों, मैं बताने से पहले एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाएँ। तो गाइज, इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बर्तन, उसके अंदर डालना है आपको रोज़ वाटर। रोज़ वाटर डालने के बाद गैस को ऑन कर दे, उसके बाद डालना है ग्रीन टी। ग्रीन टी यहाँ पे मैंने ट्रू हर्ब्स का ले रखा है, आप किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं। और ग्रीन टी आपको 2 चम्मच डालना है और इसको अच्छे से खौलाना है। जब तक खौलाना है, जब तक कि सारा इसका बेनिफिट जो है आपके इस वाटर में ना आ जाए, तब तक अच्छे से चलाते रहें और खौलाते रहें। देखेंगे कि कुछ ही देर में आपके जो लिप्स हैं बिल्कुल ही अलग अलग हो जाएंगे। तो जब ये आपको दिखने लगेगा कि इसका कलर चेंज हो गया, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट ऐड करना है, जो कि है पोटैटो। पोटैटो में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो कि स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग में हेल्प करता है, सन टैन की प्रॉब्लम को दूर करता है, पिंपल्स की प्रॉब्लम को होने से रोकता है। तो सच में बहुत ही अच्छी क्रीम बनने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऐड किया पोटैटो, जो कि आपकी स्किन जो है ना, कितनी भी टैनिंग से भरी हुई है या फिर धूप प्रदूषण की वजह से आपकी फेस जो है डैमेज हो गया है, तो एक पोटैटो की वजह से बहुत ही अच्छा आपको निखार मिलने वाला है। तो अच्छे से मैं इसको ग्रेट कर लूँगी ग्रेटर की मदद से, उसके बाद इस वाटर के अंदर मैं ऐड कर दूँगी जो कि हमने ग्रीन टी बना रखा। तो डालने के बाद अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी, गैस को कर दूंगी हाई, उसके बाद मैं ढक दूंगी, ढक के इसको पका लूंगी अच्छे से। जब तक आपको इसको पकाना है, जब तक कि ये बिल्कुल ठीक सा पेस्ट ना बन जाए, तब तक आपको इसको चलाते रहना, बीच बीच में देखते रहें और इसको चलाते रहें और पकाते रहें। तो देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। जब इसका कलर चेंज हो जाता है इस तरीके से, तो गैस को कर दें ऑफ और इसका थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करें। 10 मिनट तक आप वेट करिए, उसके बाद एक स्टेनर की मदद से इस तरीके से प्रेस कर करके आप लोगों को स्टेन करना है पूरा क्रीम। तो स्टेनर की मदद से आपको प्रेस करके निकालना है, या फिर आप कपड़े की मदद भी ले सकते हैं अगर आपको इसमें टाइम लगता है तो। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ग्रीन टी जो है आपके स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके डार्क सर्कल की प्रॉब्लम को दूर, उसके साथ ही साथ आपके जो है सॉफ्ट स्मूथ ग्लोई स्किन मिलने वाली है। तो गाइस, उसके बाद आप लोग को ऐड करना है 2 विटामिन ई का कैप्सूल। मैंने यहाँ पे इवियन का ले रखा है, आप किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं, या फिर आप विटामिन ई ऑयल भी ले सकते हैं, जो कि आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, दाग धब्बों को फेड ऑफ करेगा, स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग में हेल्प करता है, तो बहुत ही अच्छा होता है आपके फेस के लिए विटामिन ई। उसके बाद डालना है आपको आलमंड ऑयल, बादाम का तेल 2 चम्मच मैं यहाँ पे डालूंगी। आप किसी भी ब्रांड का बादाम का तेल ले सकते हैं और उसके बाद मिक्स करके आप अपने फेस में अप्लाई कर सकते हैं इसको। जब भी आपको डार्क सर्कल पर लगाना है, तो अपने आँखों के आसपास इस तरीके से लगा करके मसाज करें। अगर आपके दाग धब्बे हैं तो पूरे फेस में लगा करके मसाज कर सकते हैं। उसको स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको फिल करें और फ्रिज में रख दें। फ्रिज में 10 दिन तक आसानी से चल जाएगा, क्योंकि इसमें हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव चीज़ें नहीं ऐड कर रखी, इस वजह से आपको बाहर नहीं रखना है, आपको फ्रिज में इसको स्टोर करना पड़ेगा। जब भी आपको यूज़ करना है तो आप अपने फ्रिज से निकालें और इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी ये क्रीम है गाइस। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी आपको इस क्रीम का यूज़ करना है, उससे पहले अपने फेस को वॉश कर लें अच्छे से, उसके बाद वाइप कर लें, उसके बाद इस क्रीम को अप्लाई करें, अप्लाई मसाज करते हुए करें, ताकि आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो सके। जब भी क्रीम आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो कुछ दिन में ही आपका चेहरा इतना खिल जाएगा कि सब देखते रह जाएंगे। सच में गाइस, आपके दाग धब्बे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, आपको सॉफ्ट स्मूथ ग्लोई सी स्किन मिलने वाली है। तो इस क्रीम को एक बार जरूर बनाइएगा और अप्लाई करिएगा, सन टैन की प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फेयर हो जाएगी। तो एक बार बना करके और अप्लाई करिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्रीम कैसी लगी। और क्रीम पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।